हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। भाई आज का थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मुझे किस चीज के ऊपर बात करनी है। बट उससे पहले आप लोग कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस देखो। आप लोगों को ना हेला का गेम दिखाते हैं, ये देखो। मम्मी क्या करती है ये? ऐसे खेलती है। ओ मेरा पैर है तो। हेलो, ओ फिर वहां भाग जाती है वहां पे। फिर इसको दिखाते हैं, हेला ये देख। और फिर ये भागी भागी फिर से आ जाती है। देख भागी भागी भागी, दिखाइए वो कहां बैठ गई। देख है ना, मस्त ऐसे खेलती है। और थोर के साथ भी ऐसे ही खेलती है ना। थोर भी इसके खिलौने बाजे। थोर और इसके लिए खिलौने ले गए। थोर भी पूरा चला गया भाई। वो धो के रखे हुआ देखो, बोरा ये रखा हुआ, ये ग्रीन वाला। और उसका पिंक था, कुछ ज्यादा तोड़ दिया। देखो भागी भागी भागी, देख भागी, ये देखिए भाई। हेलो, अच्छा 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 अच्छा, तेरे ने थोर के लिए ना, हेला के लिए पापा ना उल्ले गए छोटे छोटे, ऐसे जो भी दिखाए थे आपको बहुत सारे लाए थे छोटी छोटी फिश। दोनों को बांट के दे दी थोर और इसको। ये समझदार कितनी है। जब थोर नहीं होता ना तो ये ऐसे भागती है, खेलती है। अब थोर है तो बहुत समझदारी से आती है। इसको पता आ गया तेरे को बोल समझ के तले उड़ा ले। लेकिन हालांकि इसको पता नहीं है, प्यार से करता है। लेकिन ये हेला ही खुद इतनी समझदार है, अपने भाई के सामने इसको पता डिंग डॉल शरीर है इसका। तो ये कुछ समझदारी से खेलती है इसके सामने। हाँ, पर खेलती है। हाँ खेलती पूरा, इसको छेड़ती है पीछे से। हाँ, पर मन वो एकदम भागे को इसके सामने। हाँ, जैसे पहले भाग भाग के आ रही थी ना ऐसे, ऐसे नहीं और देख के भागती है जब ये सो रहा हो ना। हाँ, ग्राउंड खाली है ना तब भागती है पूरा। वैसे समझदारी से आती है, रहती थोर के साथ ही है। थोर ढूंढता इसको कहीं छुप जाए। आज कपड़े वाला स्टैंड के नीचे छुप रही थी। मैं थोड़ी कहा है ना ढूंढ के जा बेटा। एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वायरल हो गया था। टेस्ट कराया हमें भी, थोड़ा यूं था कि कहीं कोविड कोविड तो नहीं है, तो कोविड का टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह सब चीज कराई तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था हमारे। फिर भी हम आइसोलेशन पे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं कि भाई फिर भी बाहर नहीं जा रहे। तो इसलिए कुछ पिछले कुछ व्लॉग्स में मैं नहीं आ रहा था। अब मम्मी मैं और मानू अलग से है, और पापा हम सबका ख्याल रख रहे हैं। ये बैठे पापा जी। बस यही कि मैं इसी रूम में रहता हूँ, रसोई मेरी है। जल्दी ठीक हो जाएंगे, थोड़ा फीवर था। और वो भी उतर चुका है अब तो। वैसे तो हाँ उतर चुका है। तनु को अभी रचित को दो दिन से फीवर नहीं है, इसको आज पांचवा दिन है। ठीक है, ट्रीटमेंट का तनु का शुरू कर रखा है और सारे फिट है बिल्कुल एकदम से। तो वायरल हो गया था ये, तो मौसम भी कुछ ऐसा है। हाँ, जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर उसी एनर्जी के साथ रचित आपको मिलेगा, उसी एनर्जी के साथ। लो मम्मी से मिल लो। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। क्या कहना चाहोगे आप? यही कि आइसोलेशन बहुत जरूरी है भाई। हम आइसोलेट हो रहे हैं। मैं आप लोगों ने देखा होगा, तीन चार दिन से कम इसी रूम में दिखती हूँ। चाहे मेरा वो सोफा बन जाता, चाहे दीवार बन जाता है, चाहे मेरे नीचे हो, मैं इस रूम में हूँ। मेरे दोनों बच्चे मेरे पास रहते, छोटे वाले ये मेरे से दूर नहीं जाते, पर मैं प्रिकॉशन लेके इनको अपने पास खिला रही हूँ। और मानू अपने रूम में, रसी तो ऊपर होता है, लेकिन रात को मैं अपने पास बुला लेती हूँ उसको। रात को मैं इसको अकेला नहीं छोड़ देती। और वैसे हम बिल्कुल ठीक है, दो दिन से हमें बुखार नहीं है, बाकी अपने प्रिकॉशन ले रहे हैं। मतलब कि दो दिन से नहीं है, ऑलमोस्ट आज पांचवा दिन है।
तो पहले दो दिन था बुखार और मम्मी और के तो वो भी नहीं था, मेरे ही था बस, वो भी उतर गया। उसके बाद से अब बिल्कुल भी नहीं है, अब सारा सही है, बट फिर भी हम ले रहे प्रिकॉशंस क्योंकि भाई जरूरी है ना। और खाने पीने का ध्यान तो पापा ने दे रखा है, पूरा सेहत बनवा दी हमारी। मेन बात ये है कि और तो उल्टा रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन हैला तो अजीब ही प्राणी है। वो कभी वो तो मतलब कभी तो खिड़की में चली जाएगी, कभी आगे शीशे के पास खड़ी हो जाएगी, और जब वो खेलती है तो स्पीड का उसका कोई लिमिट नहीं है, कितनी स्पीड से भागती है। अभी भी बाहर ही गई हुई है, पता नहीं वो किसी कोने में जाके आराम से बैठ जाती है, फिर अपनी ढूंढनी पड़ती है कि वो कहीं कहां है, फिर लेके आती है उसको। बाहर गई पाएगी मुझे। एक्चुअली मैं आप लोगों को टेंशन नहीं देना चाह रहा था, टेंशन तो अभी भी मत लेना क्योंकि अब हम बिल्कुल सही है, बट फिर मैंने सोचा नहीं यार आप लोग हमारे डिजिटल फैमिली हो तो आपका हक बनता है कि ये पता करने का कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो इसलिए फिर मैंने पापा से पूछा पापा क्या करें, तो पापा ने कहा कि जब तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग बता दो क्यों ऐसे रखो, है ना। तो इसलिए फिर हमने आपको बताया है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों के अंदर अब ये सही हो जाएंगे। वो सही तो है ही, बाकी एक प्रोसेस है ये आइसोलेशन वाला, ये पूरा हो जाएगा उसके बाद धमाकेदार व्लॉग्स वापस आने शुरू हो जाएंगे। बट जब तक ये नहीं है कि व्लॉग्स नहीं आएंगे, आएंगे हेला और थोर के खेलने के और इनके एक्टिविटीज के और इन सब चीजों के आएंगे। हाँ बस थोर का बर्थडे सेलिब्रेशन है वो थोड़ी सी पोस्टपोन हो जाएगी, बट होएगी जरूर। मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स मंगाए हैं थोर के लिए और हेला के लिए, सब बहुत सारी चीजें आनी है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और लाइक कर दो वीडियो को अभी के भी और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय बाय।